रेडियो एक्टिविटी बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर एक हैवी न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल है वो छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है, बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी होगी या न्यूक्लियर फिजन भी होगा ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर तीन टाइप्स ऑफ रेडिएशन निकलती हैं जब रेडियो एक्टिविटी होती है, अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा डीके में ये बताया हुआ है कि जब अल्फा डीके होता है तो अल्फा पार्टिकल निकलता है, जब बड़ा न्यूक्लियस छोटे में टूटता है तो अल्फा डीके होगा। अल्फा डीके के अंदर अल्फा पार्टिकल निकलता है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल माना जाता है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाएगा इट इज डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज इसके ऊपर चार्ज है। और ऐसी बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर बीटा पार्टिकल निकलता है तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और नेक्स्ट है आपका गामा पार्टिकल, गामा पार्टिकल न्यूट्रल है, न्यूट्रल पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। तो जब रेडियो एक्टिविटी में गामा निकलता है तो गामा पार्टिकल सीधा के सीधा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। ठीक, तो मैग्नेटिक इफेक्ट में भी जब अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं तो जब रेडियो एक्टिविटी होती है तो अल्फा बीटा पार्टिकल में अल्फा और बीटा पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड जो है अफेक्ट कर पाता है और गामा पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन है आपकी बुक में। तो अल्फा पार्टिकल में ये गिवन है, अल्फा पार्टिकल डबल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटोन है और मास 4 टाइम्स है। वैसे बता देता हूँ अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम 4-2, सिंपल। तो मास 4 गुना ज्यादा है और चार्ज 2 गुना ज्यादा है प्रोटोन से। नेक्स्ट है बिकॉज लार्ज मास है तो पेनिट्रेशन पावर इसकी कम है, इसकी आयनाइजेशन पावर जो है लार्ज है, फ्लोरसेंस ये शो करता है, फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता है एंड इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। बीटा रेज जो हैं उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ नेगेटिव, और मास जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻³¹ kg। तो मास क्योंकि इलेक्ट्रॉन का छोटा है प्रोटॉन से तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, पेनिट्रेशन पावर लार्ज होगी। और बीटा पार्टिकल आयनाइज करती है गैस को, फ्लोरसेंस ये भी शो करती है, फोटोग्राफिक प्लेट को ये भी अफेक्ट करती है एंड आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करती है। जो गामा रेज हैं उनको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है नहीं क्योंकि हमने ईएम वेव किया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में गामा रेज हमने की थी, वही सेम प्रॉपर्टीज ये फॉलो करेगा गामा रेज, तो कोई नई चीज नहीं है इसमें।